एक गाइस मेरा नाम शरण है और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर बहुत टाइम से बहुत लोगों ने यह रिक्वेस्ट की थी सर ए इंटरव्यू पर एक वीडियो बनाई है सो so, आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कैसा था मेरा ए इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे कैसा रहा था मेरा एक्सपीरियंस और मेरे साथ क्या क्या हुआ था इंटरव्यू में ये सब चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पे बहुत सारी यूजफुल चीजें आपको मिल जाएंगी फॉर नीट प्रिपरेशन साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डेली बायोजी

प्री इंटरव्यू के लिए जाना होता है सो इंटरव्यू एफ में दो स्टेज में होता है प्री इंटरव्यू इज नॉट फॉर स्क्रीनिंग और एनीथिंग स्क्रीनिंग का प्रोसेस पूरा मेन इंटरव्यू में ही होता है जहां पे छह ऑफिसर्स बैठ के आपसे सवाल जवाब करते हैं प्री इंटरव्यू थिंग इज वेयर योर फाइल इज प्रिपेयर वो फाइल जो कि हमारा इंटरव्यू बोर्ड के पास जाने वाला है उस फाइल में दे वुड बी एवरीथिंग अबाउट यू एफ एम सी का फॉर्म से लेके आपके क्लास ट्वेल्थ इलेवेंथ टेंथ का रिजल्ट एंड ऑल द को करुलर एक्टिविटीज दैट यूर डवरीथिंग कम्स इन दैट फाइल एंड दिस फाइल गोज टू द मेन इंटरव्यू बोर्ड सो ये प्री इंटरव्यूज फॉर प्रिपेयरिंग दिस फाइल वहां पर एक ब्रिगाडियम बैठे होंगे वो आपका प्री इंटरव्यू लेंगे क्या क्या आपने किया है स्कूल में क्या क्या आप करने वाले कॉलेज में क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स है सारे सर्टिफिकेट्स वो कलेक्ट करेंगे और एक फाइल में मेन इंटरव्यू ऑफिस या फिर मेन इंटरव्यू हॉल टू द इंटरव्यू बोर्ड वो सेंड करेंगे सो फर्स्ट यू गो फॉर द प्री इंटरव्यू मेन इंटरव्यू So I'll start directly with what happened with me inside the interview hall. I entered, I was a bit nervous, a nervous, but I tried my best to look confident. I entered the interview hall. There were six highly ranked officers who were sitting in front of me and they asked I wished them and they asked me to take my seat. So I took my seat. I I guess they saw me nervous, so they started really, really smooth. They said, Why are you scared? Are you nervous? We are not going to eat you and I don't know what all things they said and they just calmed me down. पहली चीजों ने मुझसे पूछी वो था विच लैंग्वेज वुड यू प्रिफर दिस इंटरव्यू टू बी इन हिंदी में आपको इंटरव्यू देना है या इंग्लिश में इंटरव्यू देना है सो ऑल दो बास्किंग से हम लोग को इंग्लिश नहीं आती हम इंटरव्यू कैसे देंगे हमारे तो इंप्रेशन पे खराब हो जाएगा सो वो इंप्रेशन आपका हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं बनता वो आपकी पर्सनैलिटी से बनता है सो यू कैन चूज एनी लैंग्वेज यू वॉन्ट आउट ऑफ हिंदी और इंग्लिश आई चूज इंग्लिश सो इसके बाद मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ The interview started उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया and it expect it went really really smooth than at what I had expected. So उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला start क्वेश्चन introduce yourself. So I was prepared for this question and I introduced myself. I told my name and place which I belong to and all that and वहाँ से उन्होंने एक चीज उठा ली uttar pradesh i belong to uttar pradesh and they asked a lot of things about this place now they said who was the chief minister who is the chief minister when are the elections held and all those things about uttar pradesh then they asked me which all places are there good to visit in uttar pradesh which all places i had visited and since when i was in uttar pradesh and which all food i liked about uttar pradesh what was the best thing about uttar pradesh and all that thing so the interview directed towards the uttar pradesh state which i belong to इसके बाद ये अबाउट माई बैकग्राउंड माई फादर इज इन आर्मी सो इसके बाद सारे क्वेश्चन आर्मी बैकग्राउंड में चले गए उन्होंने पूछा कि आर्मी के बारे में क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है सिंस विच ऑल रैंक्स यू नो अबाउट द आर्मी विच रैंक माई फादर वॉज इन वेरियस गैलेंट्री अवॉर्ड्स कौन सा हाइएस्ट गैलेंट्री है कौन सा बेसिक गैलेंट्री है देन उन्होंने ये सब स्टार्ट क्वेश्चन पूछने के बाद एक बहुत ही ज्यादा स्टार्ट क्वेश्चन पूछा इवन आफ्टर हैविंग अ ग्रेट नीट स्कोर क्यों आई वॉन्टेड टू ज्वाइन ए एफ एम सी एंड नॉट एनी अदर मेडिकल कॉलेज

You like to dance when you in your free time, they'll ask you to show us some moves of dance. So up hobbies, mein jo bhi you need to justify it by showing it to them. So I obviously didn't have any of these hobbies and I was truthful and told them that I loved reading novels, plus I loved cooking. Now hearing this, the direction interview direction of the interview changed. They asked me which all novels I had read, which was my who was my favorite author, which was my favorite novel, and all that, and believe me. These people have lot, have read, uh, wrote, uh, read a lot of books and they have a lot of experience of novels and whatever word you utter over there, they know something or other about that. And if you try to lie out here, they will catch you and then your interview is gone. So just don't try to lie to impress them at this point.

Then they went on to all the co-curricular activities that I did, at which all level I had participated, and what all were my achievements. Kaha, kaha pe participate tha, kis -kis event or kya, -kya jeet ke aaya tha. Now, I was a regular student, so they asked me how I managed my school and need together, how I cracked need without coaching and all that stuff. एंड बिफोर एंडिंग द इंटरव्यू दे आस्ट मी की अगर मेरा सिलेक्शन ए एफ एम सी में नहीं होता है अगर देन विच मेडिकल कॉलेज थ्रू नीट और थ्रू एम्स वुड आई गो टू एंड बाई आई आंसर दैट एंड वॉज ऑल एंड पूरा ये माई इंटरव्यू एंडेड इन अबाउट फिफ्टीन मिनट्स राइटीन मिनट लॉन्ग इंटरव्यूल वन कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछा कुछ ज्यादा कम नहीं पूछा

you know your stuff you need to guide your interview to what you actually know and where you want to take that interview to obviously wo koi out of the air question, jo bol rahe, usi koi utha ke question so just speak those things you know about and that's all and your interview will go great सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो गाइज ये था मेरा पूरा इंटरव्यू ए एफ एम सी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और मेरे साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे अब यूजअल टाइमिंग यही पंद्रह मिनट का इंटरव्यू होता है घबराना नहीं है अंदर जाके यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू नो योर स्टाफ आप जो भी चीजों पर बोलने वाले हो वो आपको पता होनी चाहिए ये नहीं कि आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हो जिसके आपको आइडिया नहीं है क्योंकि वो चीज वो पकड़ लेंगे और उस पर फिर आपका इंटरव्यू चलेगा और अगर आपको आइडिया नहीं है लेकिन आपने वो चीज बोल दी है तो आपका इंप्रेशन बहुत खराब पड़ेगा सो बस वही चीज बोलना जिसके अर में अच्छे पता है एंड गाइज प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रुथफुल डोंट इवन ट्राई टू लाई एंड द मोमेंट यू विल दे विल नो दैट यू आर लाइंग एंड योर इंटरव्यूज कॉन सो दैट वुड बी ऑल अगर आपको टिप्स चाहिए वगैरह चाहिए तो अलग से एक वीडियो शायद मैं बनाऊं उसके लिए इफ आई गेट टाइम वरना जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट नो टेक्निकल स्टफ आस्ट अंटिल एंड लेस यू गाइड देम टूवर्ड द टेक्निकल स्टफ सो दैट वॉज ऑल And all the best and keep working hard. Do like and share this video if you find it helpful. And if you are new here, then go and subscribe to the channel. You will a lot useful videos Thank you guys for watching. Bye-bye.